बच्चों, डायगोनोस पर मैं बात कर रहा था। तो पिछला जो मेरा लेक्चर था, यही में मेरा रुका हुआ था, इसी के आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो डायगोनोस में खास बात क्या था बेटा, कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, ठीक है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट की खास बात क्या होगी, कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में एक क्रॉस रिलेशन पाया जाता है। क्रॉस रिलेशन का मतलब क्या होगा, जो दोनों एलिमेंट एक तीर से अगर लगे होते हैं तो उनकी जो है रेडियाई और प्रॉपर्टी लगभग लगभग काफी कुछ सिमिलर होती है। तो यहां से भी हम लोगों को क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है। तो पहले तो एक बात समझ ले कि हम लोग डायगोनल्स को समझेंगे कैसे। बेटा देखो, ये हमारा हो गया सेकेंड पीरियड, पीडी का मतलब हो गया पीरियड बेटा, ठीक है। और ये बेटा हो गया मेरा, ये हमारा थर्ड पीरियड, ध्यान समझना। सेकेंड पीरियड में हमारे कौन कौन से होगा, ये मैंने सेकेंड लिखा और ये मैंने थर्ड लिखा, ठीक है ना। सेकेंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, ये हमारे हो गए सेकेंड पीरियड के हो गए, ठीक बेटा। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में यहां सोडियम, यहां पर मैग्नीशियम, यहां पर एल्युमिनियम, यहां पर SI, यहां पर P, यहां पर S और यहां पर Cl, ठीक है ना बेटा। अब इसका मतलब ध्यान से देखो, क्रॉस रिलेशन का मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर देखो कौन कौन सा पेयर देखने को मिल रहा है, एक मेरे को बेरिलियम के साथ मैं एल्युमिनियम का पेयर दिख रहा है, या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को कार्बन के साथ फास्फोरस का भी पेयर दिख रहा है, या मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन के साथ मेरे को क्लोरीन का पेयर दिख रहा है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा उस पर ध्यान देना। अगर वो क्वेश्चन ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मान लिया जाए कि हमने कहा कि बेरिलियम डाई पॉजिटिव सेकेंड ग्रुप का है और एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव, इज दैट क्लियर। अब अगर मैं ये कहता हूं, ध्यान सुनना कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है तो जितना ज्यादा प्लस बनता चला जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का अगर केस है जितना ज्यादा प्लस बनता चला जाएगा रेडियाई हमारी कम होती चली जाएगी। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय, क्या वो डायगोनली वाले तो नहीं है। अगर डायगोनली वाले हैं तो एक बात आप मान के चलिएगा कि डायगोनली जो रिलेटेड एलिमेंट हैं इनकी रेडियाई अप्रोक्स क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी रेडियाई आपस में अप्रोक्स क्या होगी, सेम होगी। तो अब जो है इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ओ माइनस या सीएल माइनस, अगर मैंने कहा ओ माइनस या सीएल माइनस, इनकी रेडियाई भी अप्रोक्स सेम होगी। तो डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट की खास बात क्या होगी, प्रॉब्लम में ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है कि भाई बेरिलियम डाई पॉजिटिव डायगोनली, वर्ड जरूर देगा, क्वेश्चन में खुद ही मेंशन करेगा कि बताइए डायगोनली कौन आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है, यानी कि डायगोनली किसकी रेडियाई आपस में सिमिलर है। तो यहां पर वो डायगोनली वर्ड सवाल में जरूर देगा, ऐसे नहीं करेगा कि वो आप डायगोनली वर्ड यूज ही ना करे और आप अपनी बुद्धि लगाए चले जा रहे हो, ठीक है ना। तो वो वर्ड यूज करेगा। तो डायगोनली जो है, अगर डायगोनली हम बात करें तो बेरिलियम एल्युमिनियम की, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो है लिथियम प्लस किसके साथ जुड़ा होगा, अगर हम ये भी कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं लिथियम मैग्नीशियम को भी एक साथ जोड़ सकता हूं। तो डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट की खास बात क्या होगी, इनकी रेडियाई अप्रॉक्स सेम होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, इनकी रेडियाई अप्रॉक्स सेम होगी, एग्जैक्टली रेडियाई सेम नहीं होगी, इज दैट क्लियर। नोट करो बेटा, नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट देखो, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स हमने क्या लेना है, हमने लेना एनायंस एंड न्यूट्रल स्पीसीज। अगर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है,
कि मैंने ऑप्शन में दो तीन एनायन दे दिए, दो तीन न्यूट्रल दे दिए, ठीक। तो बच्चों आप एक जानते हो कि रेडियाई की अगर मैं बात करता हूं, रेडियाई या साइज की मैं बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा रेडियाई साइज किसकी होगी? एनायन की। फिर किसकी होगी? न्यूट्रल की। और उसके बाद किसकी होगी? कैटायन की। तो मैंने आपको बात बताया। तो अगर मैं ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा रेडियाई एंड साइज चाहिए मेरे को, रेडियाई एंड साइज चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको क्या लिखवाया? एनायन लिखवाया, ठीक है ना बच्चों। एनायन के बाद किसको लिखवाया मैंने? न्यूट्रल को। और इसके बाद मैंने किसको लिखवाया? कैटायन को लिखवाया। एक एग्जाम्पल देखो और उसको समझने की कोशिश करो। मान लिया जाए कि हमने एक एग्जाम्पल ऐसा ले रखा है कि भाई O माइनस टू ले रखा है, F माइनस ले रखा है, इज दैट क्लियर, और दूसरा O ले रखा है और F ले रखा है, राइट। ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है और आपको इसमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनो, आपको ये बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। तो पहले तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया होगा कि साहब ये तो एनायन है, राइट, ये एनायन है और ये दोनों इन पर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है, इज दैट क्लियर। तो अगर मैं रेडियाई की बात करता हूं तो रेडियाई में देखो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी, देखो ये रहा, और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी ये होगी, ये रहा। तो अगर मैं रेडियाई की बात करता हूं तो ओ माइनस टू की रेडियाई ज्यादा होगी एफ से, एफ माइनस से क्यों होगी? एफ माइनस से क्यों ज्यादा होगी भाई? तो एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुए कि नहीं हुए बेटा? ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुए कि नहीं हुए? अच्छा एक बात बताओ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में जितना ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा, रेडियाई हमारी क्या होगी? बढ़ती हुई चली जाएगी। तो बच्चों एक बात बताओ कि इन दोनों में डिसाइड हो गया। इसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि मान लिया जाए कि ऑक्सीजन की बात करते हैं और फ्लोरिन की बात करते हैं, बच्चों देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? इसका एटॉमिक नंबर जेड बराबर है 8 और जेड बराबर कितना है यहां? 9, राइट। दूसरी बात आप क्या जानते हैं, लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई क्या होती है? लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई क्या होती है? ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया, और लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई डिक्रीज करेगी, तो दूसरे उसके बाद किसका नंबर होगा? इसका होगा, और ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, पहले ये एनायन और ये हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल, क्लियर। तो हमें एनायन और न्यूट्रल के केस को कैसे सॉल्व करना? इस तरीके से करना, नोट कर बेटा। लिखा बच्चों, अब इसके बाद नंबर 7 आ जाओ। ये मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं कि कितने टाइप के सवाल बनते हैं और किस किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, है ना, ठीक है। तो नंबर 7 पे देखो, अब हम लोग बॉन्ड लेंथ पर चलते हैं, ठीक, बॉन्ड लेंथ पर चलते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे पास ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। और ये कार्बन कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, राइट, ठीक है, समझना ध्यान से। अब जो है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन। 10th में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीन। और इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइन। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसकी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बॉन्ड लेंथ की है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका जो प्रैक्टिकल बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इसका जो है 1.32 एंगस्ट्रॉम, और ये है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, सिंगल बॉन्ड यानी एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये आपका ये कार्बन है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जो बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द बॉन्ड लेंथ, ठीक।
एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, दो एटम के बीच की, सेंटर से नहीं, अगर सेंटर से हो जाएगा तो रेडियाई हो जाएगा। एक एटम से दूसरे एटम की जो बीच की डिस्टेंस है, दैट इज बॉन्ड लेंथ। इज दैट क्लियर? एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है, दैट इज रेडियाई, राइट? तो एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर की जो बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज बॉन्ड लेंथ। यानी एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होगी, राइट? अब यहां पर जो है, यहां से लेकर के यहां तक की जो बॉन्ड लेंथ है वो है आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब जैसे ही बॉन्ड बढ़ेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, दोनों एटम क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे। तो जैसे ही एक बॉन्ड और बढ़ गया तो ये हमारी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.32 एंगस्ट्रॉम हो गई। अब और थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा तो इनकी लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई। तो कहने का मतलब सीखा क्या आपने, सीखा ये हुआ, आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होती चली जाएगी। दो एलिमेंट के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे उतनी ज्यादा उसकी लेंथ क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अब लेंथ जब कम होती जाएगी, एरिया कम होता जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है रेडियस भी कम होता जाएगा और साइज भी कम होता चला जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर मैं इस केस में ऐसा कहूं कि बताओ सबसे ज्यादा रेडियाई मेरे को कहां देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा रेडियाई मेरे को कार्बन सिंगल में, इसके बाद मेरे को कहां देखने को मिला, डबल बॉन्ड में, और सबसे कम कहां देखने को मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं एक और क्वेश्चन एजम्पशन, पहले इसको नोट करो बेटा, नोट किया बेटा, लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, when number of bonds between two atom increases, then bond length or radii, bond length or radii decreases, right? तो अगर मैं एक और example लेना चाहता हूं, चलो मैंने एक और example ले लिया, मैंने आपसे कह दिया, मान लिया मेरा एजम्पशन इस तरीके से है, ठीक है, मेरा एक एजम्पशन ये है, और एक एजम्पशन मेरा इस तरीके से है कि मैं नाइट्रोजन के साथ इस तरीके का एजम्पशन ले रहा हूं, और एक एजम्पशन मेरा इस तरीके से मैंने मान लिया। अब मैंने पूछ लिया, बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां होगी बेटा, रेडियाई कहां होगी, तो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा और ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम। नोट कर बेटा, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा, नोट किया बच्चों, नेक्स्ट लिखो, 7 के बाद 8 में आ जाओ, 7 के बाद 8 में आ जाओ, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पूछता है, आयनिक मोबिलिटी है ना और कंडक्टिविटी, ठीक बच्चों, आयनिक मोबिलिटी यानी IM और कंडक्टिविटी का मतलब CON, राइट? आयनिक मोबिलिटी का मतलब IM और कंडक्टिविटी का मतलब CON, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है कि भाई मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है
कि Na प्लस K प्लस Rb प्लस और CH प्लस, और मैंने आपसे पूछा कि मेरे को साहब जो है मेरे को आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए, क्या चाहिए मेरे को आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए या मेरे को क्या चाहिए भाई, है ना, मोबाइलिटी चाहिए। अगर मैं इनमें से कुछ भी पूछ लूं तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, और यहां पर क्या होगा सबसे ज्यादा सीएस का होगा और सबसे कम किसका होगा एनए प्लस का। पहले इतना नोट करो फिर हम वजह बताते हैं ऐसा क्यों, पहले इतना नोट करो बेटा फिर आपको वजह बताते हैं ऐसा क्यों। नोट क्या बेटा, अब सुनो जरा, अभी जल्द सुनो, बालको एक बात बताओ, बालको एक बात बताओ, ध्यान सुनना, ये मैंने ले रखा है एन ए प्लस ले रखा है, ये मैंने ले रखा है के प्लस, ये मैंने ले रखा आरबी प्लस और ये मैंने ले रखा सी एस प्लस, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब हम ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या करेगा, बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, वो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, ध्यान समझना, नंबर ऑफ शेल फोकस करना। रेडियाई क्या होगी, रेडियाई इंक्रीज करेगी, राइट, यही से हमारी बात समझने वाली बात होगी। अब थोड़ा समझो, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो हो गया Z बराबर कितना होता है बेटा, 11 होता है, राइट, और कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, राइट। ये हमारा क्या हो गया, एक एटम हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये हमारे शेल हो गए, ये हमारे क्या हो गए, शेल हो गए। चलो मैंने ये मान लिया कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, राइट, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, या आठ है, इस तरीके से हम आठ मान लेंगे, पूरा गिनने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा वन हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, हम जानते हैं कौन सा फोर्स काम करेगा, कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, करेगा। तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये काम कर रहा है हमारा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर अगर मैंने जो है ये मैंने किसका केस लिया हुआ है, एनए प्लस का लिया हुआ है, तो अगर मैंने इसका लेना है, अगर मैं सीजीएम की बात कर रहा हूं, देखो बेटा ये तो ये शेल हमारे कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, मान लिया इतने हो गए, और इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, मान लिया सीजीएम प्लस का ले रखा है मैंने, सपोज दैट इतना ले रखा है, है ना पूरा। अब यहां पर एक बात बताओ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस केस में, इसके रेस्पेक्ट में कम होगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, ये तो नंबर ऑफ शेल कम है और इसमें सीजीएम केस में नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहे, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से इनके और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का है वो क्या होगा, जैसे ये एटम पास में है, ये सोडियम है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो एक एक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो एक तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी दूरी पर है, राइट। अच्छा एक कंडीशन क्या है कि मैं इस तरीके से ले लूं, अब इस तरीके से मैं ले रहा हूं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में कम हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब अगर इलेक्ट्रॉन या सोडियम केस में इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाऊंगा, आसानी से नहीं निकाल पाऊंगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाऊंगा, इलेक्ट्रॉन जहां आसानी से निकलेगा दैट इज द कंडक्शन, वही आपका कंडक्शन होगा, कंडक्शन यही तो मतलब हुआ भाई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कंडक्शन। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा साइज ज्यादा है, मेरा साइज नहीं है, मैं मेरा मेरा डायमीटर में देखना,
मैं न्यूक्लियस, और मैं अपनी डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो खुद ही हेल्दी हूं, मैं एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अगर जो एरिया ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब इसका निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जहां आसानी से इलेक्ट्रॉन निकला उस कंडक्शन बढ़िया हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिसका नंबर ऑफ जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, तो उनमें जो है अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, पुअर होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स पुअर होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या होगा, आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, बेस्ट कंडक्टर कहेंगे। तो यहां पर क्या है कि चाहे तो हम आयनिक मोबिलिटी की बात कह ले, चाहे कंडक्शन की बात कह ले, सबसे बढ़िया कंडक्शन किसमें होगा, सीजियम प्लस में। ये 2 से 3 बार आपसे पूछा जा चुका है सवाल, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी, दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अक्सर 2-3 साल में कहीं ना कहीं ये सवाल रिपीट करता रहता है। इज दैट क्लियर, चलो नोट करो बेटा। नोट कर लिया बच्चों, अगला देखो, नंबर कौन सा, 8। चलो भाई नंबर 8 देखो। देखो बेटा नंबर अगर गलत एक दो आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, नंबर रट के हम लोग नहीं चलते, हम लोग कंटेंट को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो देख लेना नंबर 8 पे थोड़ा ध्यान सुनो, एक वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये मेरे को जो है, पहले एक दो बातें लिखो फटाफट, पहले छोड़ो उसको, पहले लिखो, पहले हेड डालो नंबर 8 में या 9 जो भी होगा आपका, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना नंबर, है ना। लिखो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मेनली, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मेनली प्रेजेंट इन, मेनली प्रेजेंट इन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मेनली प्रेजेंट इन 13 ग्रुप एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बल्कि दूसरे पेन से लिखना, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन रेडियाई ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम जीए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मेनली बेस्ड ऑन जेड इफेक्टिव। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जेड इफेक्टिव क्या चीज है। एक पॉइंट और लिखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस
सो रेडियाई डिक्रीजेस, सो रेडियाई डिक्रीजेस, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों, जेड इफेक्टिव बताएंगे, है ना। ये हमारा हो गया, मान लिया जाए कि 13th ग्रुप एलिमेंट है साहब, ठीक। तो 13th ग्रुप एलिमेंट में देखो, बोरॉन, एल्युमिनियम, है ना, जी ए, आई एन और टी एल, यही तो था, ठीक। और हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऊपर से नीचे चलेगा तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ेगा और रेडियाई बढ़ेगी और नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और रेडियाई हमारी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़ा ध्यान समझो, हमारा दिक्कत यहां पर है बेटा, ध्यान से देखना, ये आपका एल्युमिनियम है, ठीक। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना, 13, ठीक है। ये आपका क्या है, जीए है, और इसका एटॉमिक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जीए हो गया और इसका एटॉमिक नंबर हो गया आपका 31 हो गया। अब इसके अगर हम आगे बात करें तो इसके आगे आपका जो आता है वो जिंक आता है, क्या आता है, जिंक आता है, जिंक आता है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, उसका हो जाएगा 30। डी ब्लॉक की रेडियाई, डी ब्लॉक की रेडियाई जनरली अगर हम मान के चलें, जनरल ट्रेंड की बात करें, तो एस ब्लॉक की रेडियाई सबसे ज्यादा, फिर पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, राइट। जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, जनरल ट्रेंड, ठीक है, तो जनरल ट्रेंड में हमारी रेडियाई जो होगी सबसे ज्यादा एस ब्लॉक, फिर आपका पी ब्लॉक, फिर आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक अगर हम एक लॉजिक, हम एक ट्रिक से, अपने एक ट्रिक से समझाना चाह रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट तो है जेड इफेक्टिव है, लेकिन जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा बच्चों। जेड इफेक्टिव निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, इसी टॉपिक में सिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें अगर हम जेड इफेक्टिव को अलग करके देखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, राइट। तो थोड़ा लॉजिक से भी लगाओ, जेड इफेक्टिव तो निकालना सिखाऊंगा लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगता है, काफी ज्यादा मिनट लग जाते हैं, 4 से 5 मिनट लग जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और इतना हमारे पास टाइम वहां कंप्लीशन नहीं मिलता है, ठीक। तो यहां थोड़ा समझना, इसकी वजह से हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि भैया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डी ब्लॉक बेटा, हो गया कि नहीं हो गया, और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, पी ब्लॉक बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, और ये भी हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक। तो लॉजिक लगाओ कि पी ब्लॉक की रेडियाई थोड़ी सी इसकी वजह से क्या हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। तो सही रीजन ये नहीं है, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया ताकि एग्जाम में गलती ना करो, ताकि एग्जाम में गलती ना करो, इस वजह से मैंने आपको बता दिया सिंपल लॉजिक। जेड इफेक्टिव समय मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब एक बात समझना, इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी रेडियाई क्या होगी, इससे क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां पर जो ऑर्डर की मैं बात करता हूं, चाहे मैं रेडियाई की बात कर लूं या मैं साइज की बात कर लूं, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, सबसे ज्यादा होगा टीएल, टीएल के बाद किसका होगा आई एन, आई एन के बाद किसका हो जाएगा एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद किसका हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा गैलियम, और सबसे कम किसका हो जाएगा बोरॉन, और इसमें बनाओगे स्क्वायर, यानी कि यहीं पर आप करते एग्जाम में गलती, यहां पर यह गलती करते हो और इसको इस तरह गोले से बना लेना या रेड पेन से मार्क कर लेना, क्योंकि गलती आप एग्जाम में यहीं करते हो, राइट। आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट करके है, और इसी प्रोसेस को जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो टोटली जेड इफेक्टिव पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है बेटा, जेड इफेक्टिव पर। नोट कर बेटा, तो एक पॉइंट और लिखवाएंगे, एक, उसके बाद जेड इफेक्टिव समझाना शुरू कर देंगे। लिखिए बच्चों, अब 9 लिखो, रेडियाई इन
रेडियाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट, रेडियाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट, लिखो बेटा स्टेट पे लिखो, रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीटली बेस्ड ऑन जेड इफेक्टिव। नेक्स्ट लाइन से लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज लाइक थ्री डी सीरीज, थ्री डी सीरीज, फोर डी सीरीज और फाइव डी सीरीज। बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे डी जो होगा वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे कैपिटल डी लिखते हैं, कैपिटल डी गलत है, जो डी लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। राइट, जो डी लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। जो भी बच्चे कैपिटल डी लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहला लिखो 3D सीरीज, दूसरा हमारा हो गया 4D सीरीज और तीसरा जो हो गया हमारा 5D सीरीज। तो मेन स्टडी हमको करना है 3D के बारे में, 3D सीरीज के बारे में, 4D और 5D में सिंपल लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। राइट, तो एक बात और लिखेंगे, 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट, 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट कंटेन लेंथेनॉइड, लेंथे एल ए एन टी एच ए एन ओ आई डी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फाइव फोर डी एंड फाइव डी सीरीज एलिमेंट कंटेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक, नोट करो।